पल पर, क्या स्थिति नजर आई अभी? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप इतने सालों के बाद भी सरकार में रहने के बावजूद आज दिल्ली की ये हालत है कि हर जगह पानी पानी है। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में, जिनके घरों में पानी गया है। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप एक रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, दिल्ली की भी आबादी बढ़ रही है, लोग हर जगह से दिल्ली में आ रहे हैं। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ कोई सरप्राइज़ नहीं है। इससे पहले बहुत लोगों को ये सरप्राइज़ लगा होगा, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके का कोई सरप्राइज़ नहीं लगा, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तब भी आप कहते हैं कि आपके पास किसी तरीके का कोई उपाय नहीं है। जब वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, मानसून होता है, तब भी आपके पास किसी तरीके का कोई सलूशन नहीं है। कोविड के टाइम पे भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि किस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। जब आपके खुद के नेता ये बोलना शुरू कर दें कि हम सिर्फ 100 mm की बारिश के लिए या पानी के लिए रेडी थे, लेकिन 150 mm की बारिश हो गई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप ये बताइए बाहर आके कि आपने 9 साल में किस तरीके से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कितना आपने पैसा खर्च किया। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मजाक का वक्त नहीं है। उन्होंने बोला बहुत कुछ है दिल्ली के बारे में, चाहे हम दिल्ली को पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क बनाएंगे, चाहे हम लेक्स को रिवाइव करेंगे, लेकिन अगर आज आप हालत देखें, बाहर जाके आप उन लोगों की हालत देखें जो यमुना के सबसे ज़्यादा तो अफेक्टेड मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप मयूर विहार जाके देखें, यमुना खादर पे जाके देखें, दो दो दिन से लोग वहाँ पर पानी के बीच में अटके हुए थे, जहाँ पर उनके पास ना खाने को था ना पीने को पानी था, दो दिन। और आप आज के डे एंड एज में ये बात करते हैं कि आपने रेस्क्यू तक नहीं कराया गया, उनको इवैक्यूएट नहीं कराया गया, उसके बाद दो दिन के बाद उनको इवैक्यूएट कराया गया, उनको खाना मिला है, छोटे बच्चे भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, तो आप किस जगह पर रह रहे हैं कि हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। प्रॉब्लम यही है, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने का, जब आप राजनीति ही फ्रीबी की करेंगे, सब कुछ मुफ्त में बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे, तो दिल्ली कोलैप्स होती चली जाएगी। मैंने आज से 3 या 4 साल पहले ये बात बोली थी कि अगर इसी तरीके से दिल्ली की हालत रही तो दिल्ली आगे आने वाले 5 साल में रहने लायक जगह नहीं रहेगी। अभी तो ये मानसून की बारी है, अभी आप देखना अगले 4 साल में किस तरीके का ट्रैफिक बढ़ेगा। अगर आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना होगा तो 3-3 घंटे आपको रोड पर बिताने पड़ेंगे। कैसे ठीक होगी ये समस्या जब तक सारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होगा? अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के मुख्यमंत्री ये समझते नहीं है और ना आगे समझेंगे। गौतम जी, एक सवाल ये भी उठता है सरकार के साहब के बीच, जिस तरीके की भाषा प्रयोग की जाती है, आज भी हमने देखा कि अली साहब का बोलना पड़ा कि ये वक्त नहीं है कि पिछली बातों को याद किया जाए, काम करना जरूरी है। देखिए, ये एक स्टेट्समैन ही इसी तरीके का जवाब दे सकते हैं। और एल जी साहब, जितना भी मेरी उनके साथ मीटिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको पहले से जानता था, लेकिन जिस तरीके से उनका विजन है दिल्ली को लेकर, मुझे पूरा विश्वास है कि एलजी साहब एक बेहतरीन इंसान है और उनका विजन है दिल्ली को बेहतर बनाने का, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का। और जैसे आज भी उन्होंने जो बोला कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, ये वक्त है एकजुट होकर काम करने का, लेकिन एकजुट होकर काम करने का किसके साथ? जिसके पास कोई विजन होता है, किसके साथ? जिसके पास कोई ईमानदारी होती है, किसके साथ? जिसके पास कोई दिल्ली के लिए इमोशंस होते हैं। अगर आपके लिए दिल्ली की जनता के लिए इमोशंस हैं, ईमानदारी है, आप दिल से काम करना चाहते हैं, आप दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम सब, सिर्फ सांसद ही नहीं, सिर्फ एलजी साहब ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी दिल्ली आपके साथ खड़े होकर काम करेगी। आज भुगत कौन रहा है? ना तो कोई एमपी भुगत रहा है, ना कोई एमएलए भुगत रहा है, ना कोई चीफ मिनिस्टर भुगत रहा है, भुगत तो एक कॉमन आदमी रहे ना। तो जब तक आप झूठ की राजनीति करेंगे, जब तक आप सिर्फ टैक्सपेयर का पैसा अपनी शक्ल चमकाने के लिए लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट पर लगाएंगे, और ये आप लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। देखिए दिल्ली की हालत, ये आपने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई है 9 साल में, मुझे नहीं लगता कि इतना ख़राब, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, सब कुछ दिल्ली ने मुझे दिया, मुझे नहीं लगता कि 9 साल में जितनी ख़राब दिल्ली नज़र आई है उतनी उससे पहले कभी आई थी। कांग्रेस के टाइम भी बहुत काम हुए थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जब सीएम थे उस टाइम पर बहुत काम हुए थे, पिछले 9 साल में किसी भी तरीके से दिल्ली में कहीं पर भी कोई भी अच्छा काम हुआ ही नहीं है। आप एजुकेशन की बात करते हैं कि हमने एजुकेशन में क्रांति लाई है, आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना आपने काम किया। तो अनफॉर्चुनेट है ये, और जब तक दिल्ली की जनता ये समझेगी नहीं, तब तक मुख्यमंत्री इसी तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे।